नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, देवताओं के गुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं 31 दिसंबर की सुबह को। इसका मीन राशि वाले जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको कौन से बड़े लाभ होने वाले हैं, इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे दर्शकों। तो आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी जरूर लाभप्रद सिद्ध होगी। देखिए दर्शकों, आपके लिए देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्नेश ही बनते हैं, साथ में दशमेश भी बनते हैं, यानी कर्म स्थान के मालिक भी गुरुदेव ही बनते हैं। गुरुदेव आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, और गुरु जैसे ग्रह जब मार्गी होंगे तो आपके जीवन में शुभ घटनाएं होनी तो निश्चित है। सबसे पहले तो ये आपके जीवन में ये शुभ करेंगे कि आपके परिवार में किसी भी तरह की अशांति थी, कोई विवाद था, पारिवारिक सदस्यों के बीच कोई मनमुटाव था, तो वो दूर होंगे। परिवार में एक अच्छा वातावरण बनेगा और कोई ना कोई मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। घर परिवार में किसी सदस्य का विवाह हो सकता है, किसी को संतान प्राप्ति हो सकती है, ऐसे शुभ योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दर्शकों, इस समय में आपकी मेहनत के कारण आप बहुत बड़ी मात्रा में धन लाभ प्राप्त करेंगे। एक अच्छा धन आपके पास आएगा, साथ में आप धन की बचत भी कर पाओगे। इस समय से आपके लिए एक तरह से एक ऐसा समय शुरू हो रहा है, यहाँ पर आपके सारे काम बनेंगे और जितनी भी आपने पीछे मेहनत की है उसका फल अब आपको मिलेगा। निश्चित तौर पर धन प्राप्ति के लिए समय काफी शुभ है। गुरुदेव बृहस्पति को वैसे भी ऊंचाइयों प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है, धन वृद्धि का कारक ग्रह माना जाता है। तो आपके जीवन में धन लाभ बड़े स्तर पे आपको होने वाला है गुरु के मार्गी होने के कारण। दूसरी बात दर्शकों, देखिए गुरुदेव का प्रभाव आपके षष्ठ भाव पर रहेगा, रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर। तो किसी तरह से स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें थी, बीमारियों ने परेशान कर रहा था का, तो अब आप बीमारियों से बाहर निकलोगे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में सुधार होगा आपका। और अभी कुछ दुश्मनों ने भी अगर आपको परेशान कर रखा था तो उनको भी आप परास्त कर दोगे, दुश्मनों पर विजय मिलेगी आपको, अच्छी स्थितियां बन रही है। कर्ज आप पर हावी हो चुका था, तो देखिए धन वृद्धि के योग तो बन रहे हैं, तो धीरे धीरे कर्जों से भी बाहर निकल ही जाओगे, रास्ते खुलेंगे आपके लिए एक तरह से कर्जों से मुक्ति के लिए। तो ये समय काफी शुभ है। इसके बाद देखिए दर्शकों, गुरुदेव का प्रभाव आपके अष्टम भाव पर रहेगा। अष्टम भाव पे गुरुदेव का प्रभाव रहने के कारण आपके लिए शुभ स्थिति ये है कि जो लोग फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, विदेश में बसना चाहते हैं, उनके लिए समय काफ़ी शुभ है। आप प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर आपका सेटलमेंट हो सकता है। अगर आपके मन में कुछ रिसर्च करने का ख्याल है तो ये समय काफ़ी शुभ है, यहाँ पर आप रिसर्च फील्ड से जुड़ सकते हो। आपके अंदर गूढ़ विद्याओं को सीखने की रुचि उत्पन्न हो सकती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी, पामेस्ट्री इत्यादि अन्य विषय भी हो सकते हैं, तो उनमें आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके लिए स्थितियाँ ऐसी है कि आपकी धार्मिक रुझान भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लोगे, सामाजिक क्रियाएं करोगे, सामाजिक कल्याण के कार्य भी करोगे, तो ऐसी अच्छी स्थिति दिख रही है। इसके बाद दर्शकों देखा जाए तो गुरुदेव का प्रभाव आपके कर्म भाव दशम भाव पर रहेगा। तो दशम भाव पर गुरुदेव का प्रभाव रहने के कारण आप अगर बेरोजगार हैं तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, नौकरी प्राप्त करने के लिए समय काफ़ी शुभ है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, दोनों ही क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद जिनका इंक्रीमेंट या प्रमोशन रुका हुआ है, तो दशम भाव पे गुरुदेव के प्रभाव के कारण आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। जो लोग कोई एमएनसी कंपनी में कार्यरत हैं या करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे योग बनेंगे और आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है, प्रयत्न करने चाहिए आपको। यानी कर्म क्षेत्र आपका सुधरता हुआ दिख रहा है, कोई भी तनाव था कलीग्स के साथ में, बॉस के साथ में, वो दूर होंगे। मीन राशि वालों के लिए स्थितियाँ काफ़ी शुभ है कार्य क्षेत्र को लेकर। तो इस प्रकार की स्थिति बनती है दर्शकों, सबसे पहले तो गुरुदेव आपके परिवार में सुख शांति बनाएंगे, धन वृद्धि कराएंगे, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे। इसके बाद आपके फॉरेन सेटलमेंट के अच्छे योग बने हैं, आपके कर्म क्षेत्र पर आपको लाभ होंगे, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो या बिजनेस हो, हर क्षेत्र में आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो दर्शकों समय काफ़ी शुभ आ चुका है अब आपके लिए। हालांकि आपको साढ़े साथी चल रही है, प्रथम चरण चल रहा है साढ़े साथी का, तो थोड़ी मानसिक चिंता हावी ना हो इसलिए मैं एक आपको उपाय बताना चाहूँगा। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए, गुरुवार को तो कम से कम करना चाहिए, अगर रोज कर सके तो बहुत अच्छी बात है। साथ में भोलेनाथ के मंदिर अवश्य जाइए, वहाँ पर शिवलिंग पर अभिषेक करिए कच्चे दूध का, इससे आपके मन में जो नेगेटिव विचार हैं वो दूर होंगे। तो दर्शकों ये दो उपाय अवश्य करिए। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, आप अपने करियर को लेकर, जॉब बिजनेस को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, या फिर मैरिज रिलेशनशिप को लेकर कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको एक सटीक जानकारी जरूर देंगे।
तो आज के लिए इतना ही दर्शकों। ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।